खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। उत्तर मुंबई के जॉन 11 में पुलिस का कड़क बंदोबस्त। नाकाबंदी में सैकड़ों गाड़ियों को किया पुलिस ने जब्त। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पर भी हो रही है कार्रवाई। कल भी जारी रहेगी यह कार्रवाई। डॉक्टर मोहन दहीकर, डीसीपी जॉन 11 मुंबई ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो किन लोगों को गाड़ी से घर से निकलना पड़ेगा, कौन से लोग नहीं निकले, किस तरह कानून नया पास किया गया है इन दिनों? देखिए, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो बीमारी है, इस बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। शासन और प्रशासन ने अलग अलग रियायतें दी है जिससे कि हमारा जीना मुश्किलों से कम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई अपने किसी भी छोटे छोटे काम के लिए गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकल जाए। ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पब्लिक छोटे छोटे काम के लिए दूरियां तय कर रही है या कार में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए ज़्यादातर बाहर निकल रही है, जिससे कि इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कम हो जाता है। हमारी कोशिश यही है कि सबको ये फिर से एक बार समझाया जाए कि आप कृपा करके जहाँ मेडिकल इमरजेंसी हो या बहुत ही अत्यावश्यक काम हो तभी घर के बाहर निकले या आपकी आपकी नौकरी के लिए निकले। लेकिन ये जब भी करते हैं तो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ना कि रास्ते पे भीड़ की तरह हम लोग निकल पड़े। ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। सर, कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है और डबल सीटर जो भी निकलेगा तो उसको तो आपके पूरे जोन में किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लॉकडाउन जब इज आउट हुआ है तो मोटरसाइकिल पे सिर्फ राइडर ही अलाउ है, कोई पिलियन उसके साथ अलाउ नहीं है। सेकेंडली, जो फोर व्हीलर या रिक्शा है इसमें ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर्स भी अलाउ है, इसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये भी जो है ये सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए है, इमरजेंसीज के लिए है, ना कि हम लोग घूमने निकले।